बात कर रहे हैं तू छोरे, रात के 1 बजने को है, मारे से मजाक ना कर। अरे भाई तू पागल है के, मन तो सोच रहे में भी हंसी आ रही है, लड़कों के कब से रेप होने लग गए हैं? ले लुगाइयों की तरह रोना बंद कर, चुप हो जा। अरे भाई भाई क्या हो गया यार, तुझे पक्का है कि नहीं वो लड़कियां थी? भाई लौंडे तो नहीं थे? हाँ तू झूठ क्यों बोलेगा, पर यार तू तो जिम शिम जाता है, 4 लड़कियों ने कैसे? अच्छा हाँ भाई, नहीं नहीं मैं यार, हाँ पापा है पुलिस में, हाँ वो ACP भी है यार, अपनी इज्जत का भी तो कुछ ख्याल रखना होता ना, ऐसे अरे अरे कैसे, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, तू रो मत यार, तू रो मत यार। अरे शर्म आती है मुझे, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहने में, वो लड़कियां तुम्हारे साथ कुछ भी कर रही पर तुमने चू नहीं करी, क्या लड़कियों को मारते नहीं? बेटा इज्जत इज्जत लड़के या लड़की की नहीं, चरित्र की होती है, इंसान के चरित्र की होती है, और अगर अगर तुमने ये किया होता तो आज डंडे मार मार के पुलिस में घर से ले जाती, फेसबुक पर यूं रंगे रंगे चिट्ठी होते तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में, हमारे घर की शीशे तोड़ देते, लोग हमारा मजाक उड़ाते, तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा देते, और ना जाने वो सब होता जो होना चाहिए था, पर अब नहीं होगा क्योंकि यू आर अ गाय एंड गाइस डोंट गेट रेप। प्लीज प्लीज तुम रिपोर्ट मत करो, प्लीज तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, प्लीज तुम रिपोर्ट मत करो, मैं तुम्हारे पैर पर थी, प्लीज प्लीज तुम रिपोर्ट मत करो प्लीज। क्या लगा था यू रोऊंगी गिड़गिड़ाऊंगी? अरे था, मुझे सब पता है, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं मानेगा कि एक लड़की ने लड़के के साथ कुछ किया, तो तुम ना मेरी बात सुनो, ये केस यहीं दबा दो और बात को खत्म करो, पुलिस कोर्ट कचहरी सब छोड़ दो, क्योंकि हमने जो करना था वो तो हमने कर लिया, अब जो तुम उखाड़ सकते हो उखाड़ दो। रे भाई मने एक बात बता, मैं बड़े सामने बोलूंगा के कि रात को एक लड़का जा रहा था और छोरियों ने छोरे को छेड़ दिया। रे बावड़े मारेंगे मने, कहेंगे ऐसी कौन सी जंगल देख ली भाई, ये गीता बबीता ने ये सब कर दिया है, ये सब ना चलेगा। मेरी बात सुन, हम तो छोरे हैं, अरे मर्द हैं, हमें तो पसंद हो गई ये सब, झूठ ना बोल लियो, तूने भी खूब एंजॉयमेंट किया होगा। अच्छा रोण बंद कर, मेरी बात सुन, ये FIR के कागज पड़े हैं, इसने फाड़ दे हैं, और बात को यहीं दफना दे। ये सब गलत है,
a man. And if this happened to me, I may have planned it to happen. Or either knowingly or deep down, I may have wanted it to happen. That I may have asked for it. Whatever happened was wrong. And I will stand against it. Not because I am a man, but because I am right.